जी सर, ये हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे किसान पंचायतें पूरे प्रदेश में धीमे धीमे हो रही हैं, तो जी अब ये क्या लग रहा है कि ये सरकार टिकी हुई है, तो क्या इस तरीके की महापंचायतें कोई दबाव सरकार पर बना पा रही हैं? आपको कैसा लगता हाँ है ये कि बिल्कुल मतलब बना पा किसान रही तो है, बहुत बिल्कुल बनेगा। इसका दबाव सरकार पे बिल्कुल बन रहा है और बनेगा, क्योंकि अभी तक सरकार ये सोच रही थी कि केवल दिल्ली बॉर्डर पे कुछ किसान बैठे हैं और बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या उनके साथ उस तरह से नहीं जुड़े हुए हैं। पर ये जो अब किसान पंचायतें जो अंदर हो रही हैं, यूपी के अंदर हो रही हैं, पश्चिमी यूपी में हुई है, ईस्टर्न यूपी में भी हुई है, ये दर्शाता है कि जो लोग हैं, चाहे वो दिल्ली के नजदीक है या पश्चिमी यूपी है, जो बाकी क्षेत्र है, चाहे वो मध्य यूपी है और ईस्टर्न यूपी है, आपके बलिया में पंचायतें हो चुकी हैं और होने वाली हैं। बलिया में, नगरा में अभी 5-6 दिन पहले पंचायत हुई है, पंचायत हुई है और जगह भी होने। तो इससे ये हो रहा कि जो सरकार का पूरा दमन था के किसानों को हम ना घर से निकलने देंगे, ना हम उनको दिल्ली जाने देंगे और ना बाहर कोई प्रदर्शन करने देंगे, वो विफल हो रहा। तो सरकार का दमन जो है, अब उसका असर कम होता जा रहा है और जहां कहीं भी लोग थोड़ी अच्छी संख्या में जुट जा रहे हैं, वो सरकार के दमन को तोड़ते हुए, पुलिस के दमन को तोड़ते हुए वो आ रहे हैं और पंचायतें कर रहे हैं। तो इससे सरकार ये जो दिखाना चाहती है कि कुछ लोग हैं पश्चिमी यूपी के, हैं हरियाणा के, पंजाब के, कुछ लोग हैं जो के किसान आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं, तो उससे ये मिथक जो क्रिएट किया जा रहा है वो टूट रहा है कि जो किसान चाहे दिल्ली बॉर्डर पे नहीं जा रहा पर वो गांव में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा, वो सरकार के प्रति जो रोष है या जो गुस्सा है उसको ये किसान पंचायतों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। खासतौर तो यूपी में जहां सरकार ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि आंदोलन ना होने पाए, जैसे आप बता रहे हैं कि शाहजहांपुर की पंचायत में पुलिस करने नहीं दे रही थी कोई मीटिंग, और शामियाना नहीं लगने दिया, और कड़ी धूप में भी इंसान बैठे रहे। इसका मतलब है कि ये आंदोलन धीमे धीमे जमीन पकड़ रहा है, और क्षेत्रों में भी, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी आम उत्तर प्रदेश के लोगों में जा अलावा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। यस यस यस, तो ये आपके तो बलिया बलिया में हुई है, बलिया में छह जी सात दिन पहले नगरा में अच्छी पंचायत हुई, अच्छी पंचायत हुई है और बलिया में और होने जा रही है, बलिया में और होने जा रही है पंचायत ये जो है। और हम लोग भी, हमारा जो कार्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर हमारे किसान या मजदूर जो हैं बराबर सक्रिय हैं। जितनी भी किसान मोर्चा द्वारा कॉल दी जाती है कि आज बंद करना है या आज वो बिल जलाने हैं या दूसरे ऐसे जो कार्यक्रम है, उनमें बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी हो रही है। तो ये दर्शाता है कि जो सरकार का दमन है अब वो धीरे धीरे बेअसर होता जा रहा है और लोग सरकार के खिलाफ जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। ये परिवर्तन आया है, परिवर्तन अभी, और ये परिवर्तन और तेज होगा, ये प्रतिरोध जो है ये और बढ़ेगा ये जा। जी सर, दारापुरी जी, आपकी बैकग्राउंड पंजाब से है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि पंजाबी लोग संघर्ष में हमेशा आगे रहे हैं, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है, तो वो आंदोलनों के अगुआ तो रहे ही हैं, और इस आंदोलन में भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये चारों तरफ और भी क्षेत्रों में जा रहा है। तो मतलब आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि एक तरीके से पंजाब एक रास्ता दिखा रहा है आंदोलन का, और देश के और जगह के किसान भी अब धीमे धीमे उस संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, या वो संघर्ष कैसे करना है, लंबा संघर्ष, उसको बहुत कुछ सीख रहे हैं वहाँ से, इस पर हम आपके देखिए कुछ व्यू ऐसा, जानना चाहते हैं। जी, देखिए ऐसा है, पंजाब का इतिहास है और पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति है,
अगर हम जी इतिहास को आवाज देखें, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है, आ हेलो, रही आ रही है? तो पंजाब जी का आ रही है इतिहास जी। और पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि हम जानते हैं कि इतिहास में जितने भी आक्रमणकारी आए वो पश्चिम से आए, और पश्चिम से आने पर सबसे पहले पंजाब ही पड़ता है। तो इसीलिए पंजाब के लोगों ने इतिहास के अंदर बराबर आक्रमणकारियों का सामना किया है, उनके साथ वो लड़े हैं, और कई बार उन्होंने रोका भी है, और कई बार जब वो ज्यादा मजबूत थे तो उनको नहीं रोक पाए। अच्छा, एक तो ये बात है कि वहां के कल्चर में संघर्ष है, वहां के लोग निरंतर संघर्ष में रहे हैं, जी उनकी जो नेचर है वो संघर्ष वाली नेचर है। अच्छा, दूसरा ये है कि वहां पंजाब के लोग जो हैं उनमें एकता बहुत है, उनमें यूनिटी बहुत है। उसमें जो सिख सिख धर्म है उसका उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि सिख धर्म तो खैर प्रचलित ही इसीलिए किया गया था कि उन लोगों को जोड़ने के लिए। तो जो सिख गुरु हैं, गुरु नानक देव या बाकी जो गुरु हुए हैं, उन्होंने सबको जोड़ा, और उनके अंदर जो उन्होंने दो चीजें जो नहीं नहीं थी, एक तो सामाजिक समानता की बात की, जो जात पात और ये सब जो चीजें हैं इनके खिलाफ विद्रोह हुआ वहां पर। अच्छा, दूसरा जो गुरु थे उन्होंने संगत और पंगत, गुरु नानक देव जी ने जो लंगर वाला एक तो संगत का किया कि हम लोगों को इकट्ठे होके आपस में चर्चा करनी चाहिए, जो हिंदी में संगति कहते हैं वहां पंजाब में संगत कहते हैं। संगत का मतलब है इकट्ठे होके प्रवचन सुनना, विचार विमर्श करना। एक तो ये गुरु नानक देव जी ने दिया, सिख गुरु ने, और दूसरा है पंगत। पंगत का मतलब होता है पंक्ति, कि वहां पर उन्होंने कहा कि सभी लोग सामूहिक सहभोज करेंगे, सहभोज होगा, और उसमें कोई भी जाति वगैरह तो पंजाब में भी रही है, जो हिंदू जाति व्यवस्था है वो पंजाब में भी रही है, परंतु सिख गुरुओं ने उसको तोड़ने के लिए कहा कि हम सहभोज करेंगे, लंगर जिसको कहते हैं, उस लंगर में सब लोग एक साथ बैठकर खाएंगे, एक साथ बैठकर खाएंगे। ये जो दो चीजें हैं। अच्छा, फिर उसमें सेवा की बात है कि लंगर की सेवा करना, लंगर की सेवा करने में है कि औरतें रोटी बनाती हैं, जो मर्द है वो भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा लेते हैं। तो ये संगत और पंगत मतलब कॉन्ग्रीगेशन होना, इकट्ठे होकर बातचीत करना अपने मुद्दों पर, धर्म चर्चा करना, फिर उसके बाद सहभोज करना। इसने वहां के लोगों में यूनिटी, जो एकता है, उसको एकता को बहुत मजबूत किया है। और जब जब एक कॉमन डेंजर, जब एक साझा खतरा सामने दिखाई दिया है, तो पंजाब के लोग हमेशा संगठित होकर उसका विरोध करते रहे, उसका सामना करते रहे। मैंने तो पाकिस्तान के साथ जब लड़ाइयां हुई थी, 65 की हुई थी, 71 की हुई थी, मैंने देखा था उसमें पूरा पंजाब जो है ऐसा लग रहा था कि वो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। हमारी सेना तो लड़ ही रही थी, पर यहाँ पर अंदर की साइड में हमारा जो इंटीरियर है वहां पर एक एक नागरिक जो है वो लड़ रहा था, उनको राशन पहुंचा रहे थे, वो सारा कुछ कर रहे थे। तो अच्छा, दूसरा ये है कि पंजाब जो है वो एक कृषि आधारित जो है वो राज्य है। अब खैर हरियाणा भी उसका भाग था, हिमाचल भी उसका भाग था, तो वहां पर क्योंकि पांच दरिया उसमें बहते हैं और जिनसे पंजाब नाम पड़ा है, पांच नदियों का जो प्रदेश है उसको पंजाब कहते हैं, और वहां का जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ है। और खासतौर से बाद में जब 60s के दौर में भाखड़ा नंगल का जो डैम बना और वहां पर नहरें जो है निकली, सिंचाई बढ़ी, तो वहां की जो जमीन कमजोर भी होती थी वो भी मजबूत हो गई। तो वहां के लोगों में मेहनत करने का जज्बा बहुत है, खेती में वो खूब मेहनत करते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले पंजाब में आया था, तेलंगाना में आया था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत है वो पंजाब से हुई थी, और उस रेवोल्यूशन के माध्यम से जो पंजाब के किसान हैं उनमें एक खुशहाली आई, एक संपन्नता आई, और उस संपन्नता के माध्यम से उनका जो जीवन स्तर है वो जीवन स्तर ऊंचा हुआ, उनका खान पान जो है वो अच्छा बेहतर हुआ, उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ और उनकी आर्थिक हालत सुधरी। फिर राजनीतिक चेतना भी वहां पर रही है, वहां धर्म और राजनीति दोनों मिल जाते हैं, काफी घालमेल हो जाता है,
जैसे बाकी भारत में धर्म राजनीति में मिल जाता है, वहां पर जो अकाली दल की जो राजनीति है वो धर्म राजनीति है, जबकि कांग्रेस की राजनीति वैसा नहीं थी, परंतु अकाली दल तो चला ही धर्म की राजनीति को लेके था। तो एक धार्मिक धर्म और राजनीति दोनों का मिल जाना, ये भी एकीकरण का एक तरीका है। और सिख धर्म जो है वो उसने लोगों को जोड़ा, वो उनकी एकता का एक तरीका है। तो वहां पर एकता बहुत ज्यादा है, लोग मजबूत हैं, संपन्न हैं, मेहनती हैं, निडर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो किसी लड़ाई को शुरू करते हैं या किसी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, फिर वो वापस नहीं होते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह जी का जो एक बहुत प्रसिद्ध मतलब उनका शब्द है, जो कहता है, सूरा सो पहचानिए लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी न छाड़े खेत। मतलब सूरा का मतलब बहादुर, मतलब शूरवीर। शूरवीर वो होता है जो धर्म के लिए लड़ता है, मतलब अच्छे काम के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ता है। पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी न छाड़े खेत, वो मैदान जंग में पुर्जा पुर्जा कट जाएगा परंतु वो कभी मैदान नहीं छोड़ता है। तो आज जो किसान आंदोलन में आप देख रहे हैं, पंजाब के किसानों की जो भागीदारी है वो इसी भावना के साथ है। अब वो वहां पंजाब में कहा जा रहा है कि दिल्ली मोर्चा लगा है, वो जो है वहां के लोग कहते हैं दिल्ली मोर्चा लगा है, सबको बारी बारी वहां जाना है, उसमें हिस्सेदारी करनी है। तो वो पंजाब के लोग जो हैं, अब तो हरियाणा के बाकी लोग भी जो है, वो उसको एक युद्ध के रूप में ले रहे हैं कि हम वहां मोर्चे पे लड़ रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ हम मोर्चे पे लड़ रहे हैं। और इसलिए वहां के हरेक नागरिक की, हरेक व्यक्ति की, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, वो अपने आप को उस मोर्चे में शामिल मानता है और उसमें वो शामिल हो रहा है। तो यही कारण है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है उसमें जो पंजाब के किसान हैं, जिसमें औरतें हैं, मर्द हैं, वो अग्रगणी भूमिका उनकी है। जबकि इसके बाद तो फिर बाकी लोग भी काफी बड़ी संख्या में जुड़े हैं, हरियाणा के लोग जुड़े हैं, उत्तराखंड के लोग जुड़े हैं, आपके पश्चिमी यूपी के लोग जुड़े हैं। और एक बात मैं और बताऊं कि जो हमारे पश्चिमी यूपी में या तराई के क्षेत्र में जो पंजाब के लोग हैं, जो किसान हैं, सिख हैं, उनकी संख्या काफी बड़ी है और उनकी हिस्सेदारी भी इस आंदोलन में दिल्ली में बहुत बड़ी है। और तराई में जहां जहां पंचायतें हो रही हैं, चाहे वो पीलीभीत में हुई, चाहे वो बिजनौर में हुई या दूसरी जगह रामपुर में हुई, वहां पर भी जो पंचायतें हैं वो एक बड़े स्केल पे हो रही हैं, उसमें जो सिख किसान है उनकी भागीदारी है और जो नॉन सिख किसान है उनकी भी बड़ी भागीदारी। और वो डिटर्मिंड है और वो जैसा आप सुनते होंगे कि वो कहते हैं कि चाहे हमें 6 महीने बैठना पड़े, चाहे साल भर बैठना पड़े, चाहे 2024 तक बैठना पड़े, हम जब तक सफलता नहीं पाएंगे, काले कानूनों को हम लोग वापस नहीं करवाएंगे, तब तक हम मोर्चा छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो ये पंजाब के जो किसान है उनकी उनकी भूमिका है और उनकी हिस्सेदारी है और उनका दृढ़ इरादा है, जो कि वहां पर दूसरों को भी हौसला दे रहा और दूसरों को प्रेरणा दे रहा। जी सर, बहुत अच्छी बात है कि पंजाबियों की ये जो संघर्ष करने की क्षमता है, ये किसान आंदोलन के माध्यम से देश के और भी हिस्सों में पहुंचेगी और इस तरीके से लंबे संघर्ष के लिए लामबद्ध हैं। ये दो प्रश्न हमारे पास आए हैं, पूछे गए हैं। एक तो मीडिया के बारे में पूछा है कि मीडिया ये सब नहीं दिखा रहा है, ये तो सही बात है कि मीडिया असलियत नहीं दिखाता है। और जो दूसरा प्रश्न है ये है कि पुलिस जो है, ज़्यादातर पुलिस वालों ये किसी न किसी किसान के परिवार से आते हैं, लेकिन अभी तक क्या आपको दिखता है कि जिस तरीके से फर्जी मुकदमे में तमाम लोग फंसाए जा रहे हैं, तो क्या पुलिस में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि पुलिस विरोध में खड़ी हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके की? अभी तो ऐसे स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें। देखिए, ऐसा एक तो मीडिया का रोल तो आप देख रहे हैं कि जो गोदी मीडिया है वो तो इनका खरीदा हुआ मीडिया है, वो तो अंबानी का मीडिया है और वो तो वही दिखाएगा जो मोदी सरकार चाहेगी, और मोदी सरकार वो दिखाएगी
जो कि अंबानी अडानी के हित में होगा। इसलिए जो मीडिया है इस पे तो हम लोग निर्भर नहीं कर सकते, पर अच्छी बात यह है कि जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, ऑनलाइन जो चैनल्स हैं, वो इस कमी को पूरा कर दे रहे हैं। अब तो मैंने ये देखा कि गांव में लगभग ज्यादातर लोगों के पास ये आपका स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन के माध्यम से वो ये जो वेबसाइट चल रही है, ये जो ऑनलाइन चैनल चल रही है, उनको ज्यादातर देखते हैं, चाहे वो फेसबुक का है, ट्विटर है। ट्विटर तो खैर उतना गांव का आदमी नहीं देखता, पर फेसबुक वगैरह और व्हाट्सएप, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जिन चीजों को गोदी मीडिया छुपा रहा है, जो सोशल मीडिया है उन सब चीजों को आम जन तक पहुंचा रहा है। इसलिए हमें मीडिया के बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, पर एक हमें जरूर करना चाहिए कि जो चैनल है उनका बायकॉट करना चाहिए, उनको देखना बंद कर देना चाहिए, उनको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे, एक तो उनकी जो सो कॉल टीआरपी है, जो ऑडियंस है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें इस गोदी मीडिया के खिलाफ भी एक अभियान चलाना होगा, उसका बायकॉट करना होगा, उसको अनसब्सक्राइब करना होगा, ये कर। और दूसरा जो सोशल मीडिया है उसमें हमें उसको और मजबूत करना है। जो भी साथी या जो भी चैनल अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए। अब जो दूसरी बात है पुलिस वाली, पुलिस की भूमिका, देखिए पुलिस जो है, हमारी पुलिस जो है वही पुलिस है जो अंग्रेजों की पुलिस थी। अंग्रेजों का यहां पर मेन उद्देश्य क्या था? उनको ये था कि यहां पर भारत पर अपने नियंत्रण को बनाए रखना, इस पे काबिज रहना, इसको अपने अधीन रखना। अब दुर्भाग्य से जब ये हम आजाद हुए, हमने अपना संविधान बना लिया, अपना शिशु बना लिया, स्वतंत्र हो गए, परंतु जो नए शासक आए वो हमारे प्रतिनिधि है, कहने को तो हमारे प्रतिनिधि है, परंतु उनकी जो मानसिकता है वो सत्तावादी मानसिकता है। वो अपने सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया है, आपका अस्तित्व म्यूट मानते हो हैं, वो गया है। जनसेवक जी नहीं मानते। अच्छा जी एक आ मिनट, रही अभी अभी आ जाए, आ रही। वो बीच में एक्चुअली वो कॉल आ गई थी, इसलिए हो गया होगा। तो जो हमारी पुलिस है, पुलिस का जो मेन काम है व्यवस्था को बनाए रखना। और व्यवस्था कौन सी बनाए रखना? जो व्यवस्था सरकार बनाती है उसको बनाए रखना। सरकार कौन सी व्यवस्था बनाती है? चाहे पार्टी कोई भी हो, वो सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहती है और जनता को ज्यादा से ज्यादा अपना सबॉर्डिनेट बना के रखना चाहती है। जैसे मार्क्स ने कहा है कि जो पूंजीपति होता है वो मजदूर को हमेशा वो मरने नहीं देना चाहता कि भूखा मर जाए, इतना कम दे, वो केवल इतना देता है कि वो जीवित रहे और मजदूरी करता रहे। तो इसी तरह से जो सरकार है, चाहे किसी पार्टी की है, वो जनता को केवल उतनी स्वतंत्रता देती है या उतना उसको आर्थिक लाभ देती है जिससे जनता बहुत समृद्ध नहीं हो, समृद्ध नहीं होनी चाहिए, और भूखी भी नहीं मर जाए। इसलिए जनता को वो जीवित रखते हैं और उसके ऊपर वो शासन करते हैं। और ये शासन किसके माध्यम से होता है? ये प्रशासन के माध्यम से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जनता को अपने काबू में रखना, चाहे कानूनी तरीके से चाहे गैर कानूनी तरीके से, ये काम जो है पुलिस से लिया जाता है। इसीलिए जो पुलिस है उसको सत्ताधारी पार्टी का डंडा कहा जाता है, पावर आर्म ऑफ द स्टेट। ये सत्ताधारी पार्टी का, सरकार जो बन जाती है उसका ये डंडा होता है। और इस डंडे का इस्तेमाल जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही हमारी सरकारें भी इस डंडे का इस्तेमाल करती हैं। वो जनता को दबा के रखती हैं और जनता को झूठे केसेस में फंसा के रखती हैं, ताकि जनता हमारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए और हमारे खिलाफ खड़ी नहीं हो जाए। जनता हमारे मताहत बनकर रहनी चाहिए, वो बराबरी की बात नहीं करें, और वो हम शासक हैं और वो शासित रहना चाहिए, और कभी भी वो शासकों की बराबरी न कर सके, ये काम पुलिस के माध्यम से किया जाता है। आपने देखा होगा कि सरकार की कोई भी जो गलत नीति है उसका जैसे कोई वर्ग या राजनीतिक पार्टी विरोध करती है तो उसको सही या गलत तरीके से दबाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ चाहे किसी भी सरकार के दौर में, सरकार के खिलाफ जहां जन आंदोलन शुरू हुआ,
तो लगभग सभी सरकारों ने वही तरीका अपनाया है कि लोगों को दबाओ, उनको डराओ, उनको घर से मत निकलने दो और उनको मीटिंग मत करने दो, उनको धरना मत देने दो। आज तो हालत ये हो गई है, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप और हम जो है धरना दे सके, भूख हड़ताल पे बैठ सके। आप लखनऊ को राजधानी को ले लीजिए, यहाँ पर पहले एक धरना स्थल होता था वो विधानसभा के सामने, से वो शिफ्ट होके लक्ष्मण मेला में गया, शहीद स्मारक पे गया, और आज की डेट में कहीं भी धरना स्थल नहीं है कि आप कहां धरना दे रहे, कहीं कोई स्थान निर्धारित नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट की तरफ से मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था 2 हफ्ते पहले कि श्रीमान जी, हम किसान आंदोलन के समर्थन में हम धरना देना चाहते हैं, आप हमें बताइए हम कहां धरना दें। हमें हमें आज मालूम नहीं है कि कहां धरना दें, क्योंकि आपने सारे धरना स्थल, अगर कहीं भी बैठ जाए, आप हजरतगंज में अंबेडकर की मूर्ति पे बैठ जाइए तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, महात्मा गांधी की मूर्ति पे बैठ जाइए तो आपको पुलिस गंडा मारेगी, गिरफ्तार कर लेगी। तो फिर धरना करने की जगह कहाँ है? जब संविधान कहता है कि जन सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, उसकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का आपका मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार तो हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमें उसके करने की जगह होगी। जब आपने हमारे लिए कोई जगह ही सारी खत्म कर दी तो हम अपने घर के अंदर तो हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, बल्कि घर के अंदर तो हम नारे नहीं लगा सकते। नारे लगाने के लिए तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा या हमें किसी जगह पर मतलब वो होना पड़ेगा। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कम से कम जंतर मंतर थोड़ी सी जगह बची है जहाँ लोग जाते हैं, इकट्ठा होकर अपने जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। बड़ी मीटिंग होनी तो दूसरी जगह होती है, परंतु आज तो लखनऊ में क्या, बाकी जिलों में भी कोई ऐसी निर्धारित जगह नहीं है जहाँ आप जो है प्रदर्शन कर सके, आप धरना दे सके या आप भूख हड़ताल पे बैठ सके। तो इन सरकारों ने ये सारा जो हमारा लोकतंत्र का अधिकार था विरोध करने का, विरोध करने का, आलोचना करने का, उसको खत्म कर दिया और ये काम पुलिस के माध्यम से मतलब किया जा रहा। तो पुलिस को इस समय जो सरकारें हैं वो अपने लठैतों के रूप में, अपने लठैतों के रूप में इस्तेमाल करती हैं और अपने विरोधियों को दबाती हैं, चाहे वो राजनीतिक विरोधी है, चाहे वो जनता के लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो उनको सरकार अपने लठैतों के माध्यम से, जो पुलिस जो लठैत है उसके माध्यम से उनको दबाती है, उनके लोकतंत्र अधिकार का हनन करती है। अब आगे जो आप बात कह रहे थे, एक और बड़ा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो पुलिस है या आर्मी है उसमें भी किसानों के बेटे हैं, पुलिस में भी किसानों के बेटे हैं, आर्मी में भी किसानों के बेटे हैं। खैर, हम आर्मी के बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, उसमें बात, परंतु पुलिस के बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं कि पुलिस में जो सबॉर्डिनेट रैंक्स हैं, नीचे वाले हैं, दरोगा है, डिप्टी एसपी है, सब इंस्पेक्टर है, हेड कांस्टेबल है, सिपाही है, ये तो ज्यादातर देहात के लोग हैं और किसानों के बेटे हैं या मजदूरों के बेटे हैं। अब देखने को ये मिलता है कि ये भी अपने भाइयों पर इस प्रकार का दमन क्यों करते, अत्याचार क्यों करते, इसका एक कारण है। मैं तो पुलिस विभाग में 32 साल रहा हूं, मैंने इसको अंदर से बाहर से सब तरीके से देखा। उसका ये है कि जो पुलिस की बागडोर होती है, जो लीडरशिप होती है या ऑफिसर होते हैं, वो कुछ ज्यादातर दूसरी बैकग्राउंड के आते हैं, वो दूसरी बैकग्राउंड के होते हैं। और एक दुर्भाग्य हमारा ये हो गया कि पहले पुलिस, खैर सरकार के अधीन तो हमेशा पुलिस रही है, परंतु इधर क्या हो गया कि पुलिस की अधीनता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सरकारों का जो कंट्रोल है पुलिस के ऊपर वो बहुत ज्यादा हो गया। वो कंट्रोल के कारण है कि अधिकारियों को परेशान कर सकते हैं, जो अधिकारी आपके मन माफक काम नहीं करेगा उसका तबादला कर दीजिए, उसको दूसरी जगह पे फेंक दीजिए। तो सरकार ने, नेताओं ने अपना कंट्रोल पुलिस के ऊपर बढ़ा लिया है और जो राजनीतिक उद्देश्य है उनके, उसकी जो पूर्ति है वो पुलिस के माध्यम से की जाती है। आपके अपोजिशन के नेता को जो है बंद करना है, उसके ऊपर केस जो है लगाना है या अपने विरोधियों को फिट करना है, ये काम जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता का काम है, दुश्मनी का काम है, वो दुश्मनी पुलिस के माध्यम से निकाली जाती है।
और हम और ये भी हमारा एक दुर्भाग्य है कि पुलिस के जो अधिकारी थे, खास तौर से मैं सिपाही दरोगा और इंस्पेक्टर को मैं दोष नहीं देता, खास तौर से जो आईपीएस ऑफिसर्स थे, जो सीनियर लोग थे, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, ये लोगों ने अपने आप को नेताओं के सामने बहुत झुका दिया, बहुत कमजोर इन्होंने अपने आप को बना दिया। हम लोग भी रहे हैं, चाहे जिले में रहे चाहे उसमें रहे, तो किसी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमें गलत काम करने के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव डाल सके। परंतु आज हालत ये है कि एक छोटे से छोटा राजनीतिक छुटभैया, छुटभैया मैं शब्द कह रहा हूं, वो भी जाके एसपी को हड़का देता है कि आपको जिले में रहना है कि नहीं रहना है। ये क्या दर्शाता है कि पुलिस राजनेताओं के सामने बहुत कमजोर हो गई है। वो इसलिए कमजोर हो गई है कि उनके अधिकारी जो हैं वो अपनी कमजोरियों के कारण या छोटे मोटे लालच के कारण कि हमें अच्छा जिला मिल जाएगा, मैं डीआईजी रेंज हो जाऊंगा, मैं आईजी हो जाऊंगा, उसके कारण उन्होंने नेताओं की जी हुजूरी करनी शुरू कर दिया। तो आज ये जो दमन है, ये राजनीतिक दमन है, ये केवल पुलिस दमन नहीं है। आज अगर किसानों का दमन हो रहा या दूसरे जो भी लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनका जो दमन हो रहा वो राजनीतिक दमन है, और जो पुलिस तो टूल की सरकारें तरह, हैं हाँ टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, और वो अपनी राजनीति पुलिस के माध्यम से कर रही है। अपने जो ध्येय अपने विरोधियों को दबाने का काम है वो पुलिस के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये इसलिए जो पुलिस का व्यवहार है वो आपको किसान विरोधी दिखाई देता है। परंतु इस जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, अब दिल्ली बॉर्डर पे मतलब जो है 3 महीने हो गए, 3 90 दिन से ज्यादा हो गया, तो इस दौर में आपने एक बात देखी होगी कि कहीं भी गोली नहीं चली है। सामना तो हुआ, किसान आ रहे हैं, सड़क सड़कें खोद दी गई, बैरियर लगा दिए गए, धक्का मुक्की भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी चले, परंतु कहीं भी गोली नहीं चली है, गोली नहीं चली है। इसका भी एक कारण है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि सरकार को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि पुलिस के अंदर जो बहुत संख्यक है वो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको ऐसा आदेश दें जिस आदेश को वो मानने से इनकार करते। इसीलिए अभी तक जो भी कार्रवाइयां हैं वो लाठी चार्ज तक रहती है और वाटर कैनन तक रहती है, उसके आगे वो कार्रवाइयां नहीं बढ़ पा रहे। ये एक फैक्टर है जो कि अभी दिखाई दे रहा है। बाकी जो दिल्ली में पुलिस कर रही है वो आप देखते हैं, बहुत सारे जो कार्रवाइयां होती हैं वो पुलिस वाले अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वो ऊपर वाले जो राजनीतिक आका है, जो नेता है, उनके दबाव में करते हैं। कुछ पुलिस वाले की मानसिकता किसान विरोधी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, जरूर होगी, परंतु ज्यादातर जो लोग हैं वो किसान किसानों की ही औलाद हैं, वो उस तरह से विरोध में नहीं है। एक तो विरोधी मानसिकता होती है, फिर एक विरोधी कार्रवाई होती है। तो ज्यादातर पुलिस वालों की जो मानसिकता है वो किसान विरोधी नहीं है। हाँ, ऊपर से जो कार्रवाइयां हैं वो आपको दबन वाली, आपको किसान विरोधी जो है वो दिखाई दे सकती है। तो अभी तक जो कुछ पुलिस का रवैया है या जिस प्रकार का माहौल बना है उसमें पुलिस के अंदर भी, मैंने खुद बात की है, पुलिस के अंदर भी एक जो है सरकार जो कुछ करवा रही है उसके प्रति एक आक्रोश है। अब वो आक्रोश क्या रूप ले सकता है क्या नहीं ले सकता, ये अभी देखने की बात है, देखने की बात है। थैंक यू सर। ये कुछ प्रश्न हैं जो जिन लोगों पे अभी हालिया में केस हुआ है किसान आंदोलन को सपोर्ट करने में, जिसमें एक शिव कुमार जी हैं, ये अभी भी जेल में हैं और पता चला है कि इनको काफ़ी टॉर्चर किया गया है जेल के अंदर, और इनके साथी नवदीप कौर जो कि अभी तो जी फिलहाल बेल पे बाहर आ गई हैं, तो जी और इसके साथ साथ दिशा रवि जो कि एक तरीके से सीधे तौर पे आंदोलन में नहीं जुड़ी थी, केवल उन्होंने ट्वीट्स किए थे कुछ, तो इन सब जी के केस के बारे में हम लोग, मैं समझना चाहता हूँ किस तरीके कैसे जल्दीबाजी में इनके खिलाफ केस फ्रेम किए गए और जिनमें कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया है। शिव कुमार के बारे में तो बताया गया है कि उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई है, ना उनके फैमिली को कोई उस पर जी इत्तला की गई है कि जी वो जेल में है जी नहीं है, तो
स्टेटस है इनका, इसके देखिए ऐसा है, ये सरकार जो है ये किसान आंदोलन को दमन के माध्यम से खासतौर से दबाना शिव चाहती है। कुमार जी जी जो जेल में है, और जी नवदीप जी तो अभी जी फिलहाल बाहर आ गए हैं जेल से। हाँ, नवदीप छूट गई है, नवदीप छूट गई है, नवदीप वो उसको बेल मिल गई है। देखिए ये सरकार जो है, ये जो असली मुद्दा है, असली मुद्दा तो ये जो कृषि कानून है और बिजली संशोधन बिल है, जो बिजली वाला संशोधन बिल है, सरकार इन मुद्दों पर कोई विचार विमर्श ना करके या जो आपत्तियां हैं किसानों की उनको दूर ना करके, सरकार आजकल ज्यादातर सरकारों ने जनता की शिकायतों को सुनना बंद कर दिया है और जनता की शिकायतों का समाधान करना बंद कर दिया है, और वो पुलिस को हर मर्ज की दवा समझते हैं कि आप अब देखिए, चाहे झगड़ा बिजली को लेके किसानों में या लोगों में और बिजली विभाग में हो, वो बिजली विभाग वहां फिर पिक्चर में नहीं रहता, वहां पुलिस को मतलब जो है झोंक दिया जाता है, पुलिस को वहां लगा दिया जाता है, और वो मामला जो है जो के जनता बनाम बिजली विभाग है वो ना रह के वो जनता बनाम पुलिस हो जाता है। और ये सरकारों की नीति होती है कि इसको जनता बनाम जो है वो पुलिस कर दो, पुलिस कर दो, और पुलिस अपने यहाँ भुगते, पुलिस क्या करेगी, पुलिस कोई बिजली के मसले का हल थोड़ी निकाल देगी, वो उनके हाथ में नहीं है, उनके अंडर विभाग नहीं है, पुलिस क्या करेगी, डंडा चलाएगी, गोली चलाएगी, मारेगी। तो जो समस्या है वो समस्या तो अपनी जगह पर रहेगी, परंतु सरकार हर एक समस्या जो है जन समस्या है उसका समाधान ना निकाल के, जो कि उनकी जिम्मेदारी है वो ना करके, वो पुलिस को उसका हल निकालने में लगा देती है और दमन का तरीका अपनाती है। तो वर्तमान में भी जो सरकार है वो किसानों का जो आपत्तियां हैं, जो बिलों को लेके आपत्तियां हैं, उनका समाधान ढूंढने की बजाय वो पुलिस के माध्यम से किसानों को दबाना चाहती है। और सरकार ज्यादातर इस भ्रम में रहती है कि जनता को या ज्यादातर लोगों को दमन के माध्यम से दबाया जा सकता है, चुप कराया जा सकता है, परंतु सरकारें भूल जाती हैं कि आप 1 2 3 4 5 लोगों को तो दबा सकते हैं, पर जब सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग उठ खड़े होंगे तो फिर आप पुलिस के माध्यम से उसको नहीं दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे। आप जो आप शिव कुमार की बात कर रहे थे, उनको उनके ऊपर केस तो दूसरे लगाए गए, वो जहां पर सोनीपत में फैक्ट्री वाले केस लगाए गए, मारपीट के, 307 के, पैसा मांगने एक्सट्रॉर्शन के, परंतु उनकी गिरफ्तारी की गई वहां से, दिल्ली से गिरफ्तारी की गई। वो इसलिए की गई कि एक तो जो सोनीपत की फैक्ट्री जिसमें वो मजदूरों के पक्ष में लड़ रहे थे, वहां की मैनेजमेंट के साथ वहां की सरकार मिली हुई है, और उन्होंने उनके ऊपर जो है झूठे केस लगा दिए, और उनको, और इसके बाद वो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें शामिल हो रहे थे, मतलब उनका तो दोहरा कसूर हो गया, एक तो आप फैक्ट्री में मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे हैं मैनेजमेंट के खिलाफ, और दूसरा आप दिल्ली जाके वहां पर आप किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, और वो सिद्ध भी हुआ, उसकी जो इंजरी रिपोर्ट है उससे सिद्ध हुआ है कि उसको जो है मतलब बुरी तरह से मारा पीटा गया, उसके शरीर पर जो है घाव है, चोटे है, और वो चोटे साबित हुई है। और एक अभी मैं कल पढ़ रहा था कि वो जो शिव कुमार है उससे थाने पर लैटिन साफ कराई गई, मतलब टट्टियां साफ कराई गई, इंसिडेंटली वो दलित है, जो शिव कुमार है वो दलित है, नवदीप कौर भी दलित है, अब उसको देखिए कि उसके दलित होने का उसको क्या खमियाजा मिला, वो ठीक है, बाकी वो मजदूर नेता है, लड़ रहा है, वहां तक तो ठीक है, परंतु क्या पुलिस किसी दूसरे से टट्टी मतलब टट्टियां साफ करवाने का काम करवा सकती है, इतनी हिमाकत कर सकती है, परंतु शिव कुमार से ये काम करवाया गया क्योंकि वो दलित है और वो मतलब डबल है, उसका जो डिसएडवांटेज है उसको डबल डिसएडवांटेज है, एक तो मजदूर नेता होना गरीबों के लिए लड़ना और दूसरा दलित होना। तो ये जो पुलिस का दमन है, ये पुलिस वाले एक औजार के रूप में, सरकार के औजार के रूप में काम करते हैं और अपने ही भाइयों के ऊपर वो दमन करते हैं। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतना दमन किया गया जो शायद दूसरे किसी राज्य में नहीं किया गया, हरियाणा में भी उस हद तक नहीं किया गया कि लोगों को घर में 5 लाख का आप कहा जा रहा है बॉन्ड भरिए, 50 लाख का, 50,000 का बॉन्ड भरिए, आप घर से नहीं निकल सकते,
घर से निकलेंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे और ये दिखा देंगे कि आप वो कोविड का वो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं और आप जो है शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। और ये जगह जगह पर किया गया, हरेक जगह पर नोटिस दिए गए, कहीं 5 लाख का, कहीं 50,000 का नोटिस दिए गए, जबकि ये गैर कानूनी है। जब तक मैं कोई अपराध नहीं करूं तो आप मुझे इस मेरे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते। आप केवल ये बात मान के मेरे खिलाफ ये नोटिस दे रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं घर से निकलूंगा तो मैं बाहर निकलकर शांति भंग करूंगा, मैं अपराध करूंगा, केवल प्रजम्पशन पे कि ऐसा आप कर सकते हैं, उससे मुझे घर में डिटेन किया जा रहा है और उससे मुझे जो नोटिस दिया जा रहा कि आप इतने का नोटिस जो है आप वो बॉन्ड भरिए कि मैं शांति बनाए रखूंगा। आप ट्रैक्टर निकाल कर नहीं जा सकते, आप दो आदमी बाहर खड़े होके वो बात नहीं कर सकते। तो ये जो सारा दमन है ये गैर कानूनी है। सरकारें जो इस समय है उनकी सारी कार्रवाइयां इस समय गैर कानूनी है, जिसका विरोध हम सबको मिलकर करना है। ठीक है, अगर हमने कोई अपराध किया है तो आप हमारे साथ कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब हमने कुछ किया ही नहीं, आप बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, आप हमारे हमें नजरबंद कर रहे हैं, हमारा घर से निकलना, अपनी बात कहना और शांतिपूर्ण ढंग से कहना, प्रदर्शन करना, धरना देना हमारा मौलिक अधिकार है, और आप हमें वो अधिकार एक्सरसाइज करने नहीं दे रहे। आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिसकी निंदा यूएनओ तक कर चुकी है, वहां का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उस तक ने कहा है कि किसान आंदोलन में लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनका वायलेशन हो रहा है। पर उत्तर प्रदेश में ये बहुत हुआ। मैं बताऊं, सबसे मैंने बाकी राज्यों के टच में मैं हूं, सबसे ज्यादा जो आम लोग, आम किसान जो है, उनका जो दमन उत्तर प्रदेश में किया गया वो किसी राज्य में नहीं किया गया और वो आज भी हो रहा है, परंतु अब लोगों ने इस दमन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया है और ये किसान पंचायतें जो हो रही हैं ये उसी विद्रोह का प्रदर्शन है। जैसे हम बता रहे थे शाजापुर वाला है कि उनको 11 बजे तक अनुमति नहीं दी, कहा कि कोरोना है, ये है, वो है, नहीं करने देंगे, और फिर जब उन्होंने कहा कि हम कोतवाली में करेंगे, उन्होंने कहा हम सारे कोतवाली में जाएंगे, वही हमारी किसान पंचायत हो गई, तब उनको कहा कि ठीक है आप कर लो, और फिर उनको शमैना नहीं लगाने दिया, और वहां 500-600 जो किसान इकट्ठा जो थे वो सारे 5-6 घंटे तक धूप में रहे। ये खुला दमन है और मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत बड़े भ्रम में है कि इस दमन के माध्यम से हम जनता को दबा लेंगे, किसानों को दबा लेंगे, मजदूरों को दबा लेंगे, और सरकार के खिलाफ अब तो खुला विद्रोह का बिगल बज चुका है। ये पंचायतें विद्रोह का बिगल है और सरकार के दमन के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी बगावत है। तो सर, इनके जो केसेस हुए हैं और जो न्याय, मतलब जो इनको बेल मिली भी है, लेकिन काफी लंबे समय तक इनको जेल में रहना पड़ा, तो क्या कहीं न्याय व्यवस्था भी संदेह के घेरे में है कि इतने मतलब फर्जी केस होने के बावजूद भी इनको बेल मिलने में भी इतना समय लगा, या कुछ जैसे दिशा रवि के केस में तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि शिव कुमार के केस में भी नहीं है और नवदीप कौर, और क्या इसमें एक जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक रोल प्ले कर रहा है कि जो अपर कास्ट से हैं उनको फिर भी थोड़ा आसान है और जो दलित क्लासेस से आ रहे हैं उनके लिए दमन कुछ ज्यादा है? नहीं, वो तो देखिए वो बात तो सही है कि जाति के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज जुड़े हुए हैं, कहीं दिख रहा है कि जो ये है केसेस हो रहे हैं उनमें भी उन लोगों को ज्यादा वो उनको ज्यादा अपमानित किया जाता है, क्योंकि वो बहुत बहुत कमजोर तबका है, उनके पक्ष में खड़े होने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, वो अच्छे वकील उनके पक्ष में खड़े नहीं हो सकते, हाई कोर्ट जाना उनके लिए मुश्किल है, केस दर्ज नहीं किया जाएगा, उनको जमानतदार नहीं मिलते हैं। ये जैसे इन्होंने मतलब उसके मामले में किया कि आप ये जो लड़की थी प्रोटोकॉल वाली जो है उसके मामले में कहा आप 1-1 लाख की 2 जमानतें दीजिए। अरे भाई, काहे के लिए 1-1 लाख की बात है? सामान्यतः है जो जमानत गंभीर केसेस में होती है वो 50,000 की होती है कि 50,000 की पर्सनल दे दीजिए, 50,000 की दूसरी दे दीजिए, जमानत में छूट दे, परंतु उस मामले में जमानत देने में 1-1 लाख की मतलब जो है वो जमानत मांगी गई। उनके वकील ने तो मतलब कह दिया था कि हम 1-1 लाख की जमानत नहीं दे सकते, परंतु फिर अपर कोर्ट ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, कोर्ट नहीं मानी,
और उन्होंने 1-1 लाख की जमानत दी। तो ये जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना, परंतु जब दमन शुरू होता है उसमें चाहे वो दलित है चाहे वो गैर दलित है सबका दमन शुरू होता है, और वहां पर किसी प्रकार का फिर भेद नहीं होता, जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा वो सरकार उसका दमन करेगी। हाँ अब वो बात अलग है कि अगर शिव कुमार जाएगा तो उससे वहां टट्टियां साफ कराई जाएगी, अगर कोई दूसरी जाति का जाएगा तो उसे ऐसा कराने की हिम्मत नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं कर सकते, वो एक डिसएडवांटेज तो रहता है, डिसएडवांटेज रहता है। जी। तो अभी कल टिकैत जी ने जो मीटिंग की है सहारनपुर में, हेलो, टिकैत जो राकेश टिकैत ने कल मीटिंग की है सहारनपुर, तो उन्होंने एक खास बात कही किसानों को संबोधित करते हुए, कहा कि अब किसान का केवल एक धर्म है। उन्होंने इस चीज़ की अपील की कि अब आप अलग अलग जातीय धर्म नहीं, आपका बस एक ही धर्म है वो है किसान। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो किसान आंदोलन जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है, ये हमारी जाति व्यवस्था के बियॉन्ड जा रहा है या धार्मिक भेदभाव के बियॉन्ड चला गया है, तो ये मतलब बहुत ही निर्णायक होने वाला है आगे चल के। केवल केवल ये 3 कानून को वापस कराना ही बात नहीं रह गई है, बल्कि ये कहीं इससे व्यापक बन चुका है। और जैसा कि आप मजदूर किसान मंच से भी जुड़े हैं, तो क्योंकि तो मजदूर भी इसमें जुड़ा है, अभी संत रविदास जयंती के दिन मजदूरों की एकता, किसानों की एकता की बात की, और हम जानते हैं कि लेबर लॉ को बहुत वीक कर दिया है सरकार ने, पूरा पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो जब मजदूर भी जुड़ रहा है इसके साथ, तो क्या उनकी मांगे कि वो लेबर लॉज वापस आए, वो इनके वो मांग भी इसके साथ नहीं जुड़नी चाहिए? क्योंकि तो मुझे लगता है कि किसान के 3 कानून वापस करने कहीं बड़ा व्यापक परिवर्तन की जरूरत है इस समय, और देश जब इतने बड़े आंदोलन से गुजर रहा है तो उसके उसके बहुत ही व्यापक परिणाम होने चाहिए या हो सकते हैं। और अभी जो हाल में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किसका पर भी पड़ेगा उन इलेक्शन रिजल्ट्स पर? क्योंकि तो किसान तो हर प्रदेश में है और बंगाल में भी बड़ी संख्या में किसान है, तो क्या, और ये योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण वगैरह ने कहा भी है कि हम वहाँ जाएंगे बंगाल में और घूम घूम कर लोगों को भाजपा के खिलाफ इन कानूनों के बारे में और भाजपा के खिलाफ लोगों को लामबद्ध करेंगे। तो क्या दिख रहा है आप, आपके दृष्टिकोण में क्या, कि केवल ये 3 कानून वापस होने की बात रह गई है या ये बहुत आगे जा चुका है इससे? नहीं, देखिए ऐसा है, जो किसान आंदोलन है उसके वो एक तरह से एक नई किस्म का आंदोलन है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक मुद्दे को लेके आंदोलन है, ये मंदिर को लेके या किसी समुदाय को लेकर नहीं है। जो किसानी है उसे 70% के करीब लोग जुड़े हुए हैं, किसान है, किसान मजदूर है, और ये भारतवर्ष में पहला आंदोलन है जो के जन मुद्दे को लेके है, और उसमें किसी एक वर्ग की, एक जाति की, एक धर्म के, उसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग जो उसमें शामिल है। और ये भाजपा की जो सांप्रदायिकता की राजनीति जो है, जो हिंदू मुसलमान करने की राजनीति है, हर एक बात को हिंदू मुसलमान करके वो इससे फायदा उठाते हैं, और इस आंदोलन के भाजपा के उस फार्मूले को ध्वस्त कर दिया है कि अब ये भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएगी। इन्होंने बहुत लव जिहाद कर लिया, क्या क्या कर लिया, परंतु किसान आंदोलन ने इनकी इस रणनीति को बिल्कुल फेल कर दिया। और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बताता हूं कि भाजपा जो सांप्रदायिकता के को लेके सत्ता में आई, सांप्रदायिकता को लेके सत्ता में आई, किसानों ने उनके फार्मूले पे सबसे बड़ा चोट किया है, और आज किसान, एक किसान मजदूर जो है वो एक वर्ग के तौर पर लड़ रहा, वो जाति धर्म के आधार पर नहीं लड़ रहा, एक वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है। ये सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कर लीजिए सर इसका असर जो जी। है बहुत दूर तक जाएगा, और आगे की हमारी जो राजनीति है वो बदलेगी, क्योंकि अभी तक जो हिंदू मुसलमान जो ये करते थे अब आगे नहीं कर पाएंगे। वहां पर हर एक जाति का, खास तौर से हम अगर पश्चिमी यूपी को देखें, जहां पर इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों को इनकैश किया था और इतनी सारी सीटें पाई थी, अब जो है
वहां पर मुसलमान, दलित और जो किसान है, जाट है या दूसरे गुजर है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक आवाज से एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। इसने, जिसको मैं कहूंगा कि इन्होंने हमारी राजनीति का सिकुलराइजेशन किया है, इन्होंने हमारी राजनीति को धर्म निरपेक्ष बना दिया है, जाति निरपेक्ष बना दिया है। ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है और इसका हमारी आगे की राजनीति पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब आप आगे जो कह रहे थे, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि जो मजदूर, मजदूरों का जो मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा तो किसानी में भी है क्योंकि वो यहाँ कृषि मजदूर के तौर पर है या दूसरे भी जो मजदूर है वो किसानी से प्रभावित होते हैं। अगर अनाज महंगा होगा तो वो सबके लिए उसका असर होगा, अगर किसान डूबेगा तो सारे डूबेंगे सारे। परंतु इसके साथ जो आपने कहा, जो इन्होंने लेबर लॉस बनाए, जो लेबर कोड बनाया है, उसने किसान, जो मजदूरों को सारे कानूनी संरक्षण मिलता था, उनको छुट्टी मिलती थी, उनको उनका बीमा मिलता था और उनको अपनी नौकरी की सिक्योरिटी मिलती थी कि उनको बिना कारण के या बिना उचित प्रक्रिया के नहीं निकाला जा सकता, तो लेबर लॉज ने केवल 8 घंटे के 12 घंटे नहीं किए, उसने ये भी कर दिया कि जो फैक्ट्री एक्ट होता था, यहाँ 50 मजदूर एम्प्लॉयड होते थे, वहां पर फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाता था और सारे लेबर लॉज लागू हो जाते थे। अब इन्होंने ये कर दिया है कि 300 तक, अगर 300 मजदूर एक जगह पर काम करते हैं तो वहां पर भी जो है ये फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होगा, तो वहां के मजदूरों को जो है कोई भी लेबर लॉ का संरक्षण नहीं मिलेगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये मजदूरों के लिए भी उतना ही घातक है जो नए नए नया जो लेबर लॉ आया है। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, वो वीडियो चला गया। तो जो लेबर लॉज हैं वो मजदूरों के लिए उतने घातक है जितने कृषि लॉ जो है किसानों के लिए घातक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो मजदूरों का मुद्दा है लेबर लॉज वाला, उसको भी किसान आंदोलन के साथ जोड़ा जाना चाहिए, उससे, क्योंकि वो भी उतने उतने ही महत्वपूर्ण है और उतने ही वो नुकसान करने वाले हैं जितने के कृषि लॉ। तो ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसान आंदोलन और जो मजदूर आंदोलन है वो किसान मुद्दे को लेके, किसानी के मुद्दे को लेके, कृषि मुद्दे को लेके और कृषि कानून के मुद्दों को लेके उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। इसके कुछ चिन्ह मिले हैं उसमें, इसमें कुछ चिन्ह मिले हैं कि मजदूरों ने इसमें जो है हिस्सेदारी कुछ सीमित मात्रा में शुरू की है। तो अब आगे आप जो कह रहे थे कि चुनाव, चुनाव पे इसका असर जरूर पड़ेगा। इस समय अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, किसी पोस्ट को लेके अगर आप देखें जो प्रतिक्रिया आती है, उसमें सरकार के प्रति आक्रोश जो है वो स्पष्ट आपको दिखाई देता है, सरकार की नीतियों का विरोध आपको दिखाई देता है। और आखिरकार जो, अच्छा, पंजाब में आप देखिए, पंजाब में जो चुनाव हुआ उसमें जो किसानों का आक्रोश था वो आक्रोश चुनाव में बिल्कुल प्रदर्शित हुआ और भाजपा वालों को एक भी नगर निगम में, जहां के उनका पहले था, कोई जगह नहीं मिल पाई। तो ये दर्शाता है कि जब आम जनता, किसान मजदूर और आम जनता जो है वो सरकार के विरोध में खड़ी हो जाएगी तो वोट देने वाली तो जनता ही है, कोई वो सरकार, कोई पार्टी ऊपर से वोट थोड़ी ले आएगी। अगर लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपके विरोध में चले जाएंगे, तो फिर आपको वोट कहां से मिलेगा? तो इसका असर, किसान आंदोलन का असर, ये जो अभी चुनाव जो 5 जगह पर होने जा रहे हैं उनमें स्पष्ट दिखाई देगा। बंगाल में जैसे इतने दिनों से ये लगे हुए हैं, इनका गोदी मीडिया लगा हुआ है, हवा बना रहा है कि इस बार जो है भाजपा की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। परंतु अभी जो रैलियां हो रही हैं, चाहे वो ममता की रैलियां हो रही हैं, चाहे अभी जो कल या परसों जो सीपीएम की जो रैली हुई है और ये जो कांग्रेस और सीपीएम का जो आपका फ्रंट बना है, उसमें आप भीड़ को देख लीजिए, उस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा जितना प्रचार कर रही है गोदी मीडिया के माध्यम से, जमीन पर वैसा नहीं है, जमीन पे जो लोग है। अच्छा, दूसरा ये है कि बंगाल में किसानों की बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि वहां पर धान की उपज बहुत ज्यादा होती है, गेहूं भी पैदा होती है और वो MSP से बिकनी चाहिए,
और जबकि वहां पर किसानों को एमएसपी नहीं मिला, यहां तक कि ये जो 500 रुपए का जो एक खिलौना जो किसान को दिया जा रहा, मोदी जी कहते हम 6,000 रुपया दे रहे हैं साल का, तो 500 रुपया महीना है, ये भी बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में किसानों को नहीं मिला, जबकि उस 500 रुपए से किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। किसानों को 500 रुपए की भीख नहीं चाहिए, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य चाहिए, तब उनकी आर्थिक हालत अपने आप ठीक हो जाएगी। पर किसान फिर मोदी जी की भीख नहीं लेगा, जो अब भीख दी जा रही 500 रुपए की, जो नहीं लेगा। तो जो बंगाल का चुनाव है उस पर किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर होने जा रहा, और ये और स्पष्ट होगा जब जो किसान आंदोलन के नेता है, चाहे वो टिकैत हैं, चाहे वो दर्शनपाल हैं, चाहे वो दूसरे राजेवाल हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, जोगिंदर जाट, जब ये बंगाल में जाकर किसानों की पंचायतें करेंगे, किसानों की रैलियां करेंगी, तो ये भाजपा विरोधी जो हवा है ये और मजबूत होने वाली है और तेज होने वाली है, और इसका असर जो है वो बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा, और इसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा, तमिलनाडु में भी पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु में भी जो किसान है वो दिल्ली में आंदोलन में भागीदारी उनकी है, वो पहले भी उन्होंने किया था। किस प्रकार से आपने देखा होगा, बेचारे नंगे कपड़े उतार के किस प्रकार से वो कितने दिन तक सड़क पर लेटे रहे थे, पड़े रहे थे, वो तमिलनाडु के किसान थे। तो तमिलनाडु में भी जो किसान आंदोलन है उसका असर दिखाई देगा। तो उम्मीद ये है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, और ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना जन आक्रोश बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सरकार विरोधी भावना पैदा होगी, और उसका असर जो है वो आगे आने वाले चुनाव, चाहे अभी ये 5 राज्यों वाला चुनाव है या फिर 2022 वाला चुनाव है, उत्तर प्रदेश का, पंजाब में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में होना है, तो इन सब पे, इन चुनावों पर किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और आम लोगों के आंदोलन का एक बहुत बड़ा असर मतलब पड़ने वाला है। और शायद भाजपा को ये समझ आने लगे कि अब ये 2014 या 2019 नहीं होगा, अब ये 2024 तो खैर आगे आएगा, उत्तर प्रदेश में 2022 अभी आने वाला है, और अभी जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें भी भाजपा को इस बात का एहसास हो जाएगा कि जनता कितनी आपके विरोध में, किस रूप में आपके विरोध में खड़ी है। चलिए प्रवीण जी, अगला सवाल पूछे या मैं पूछूं? हाँ, कोई सर सर जुड़ चुके हैं, संदीप जी आपको कोई पूरी जी सर पर। मैं थोड़ा आधा घंटा लेट जुड़ा था, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि तारापुरी जी ने सवाल का जवाब दिया है कि नहीं। तारापुरी जी, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, पंजाब का किसान बहुत मजबूती से डटा जी हुआ है, जी और हमारे जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं हरिंदर सिंह मनसाइया, वो कहते हैं कि भाई पंजाब का किसान आ गया, हरियाणा का आ गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आ गया, राजस्थान का आ गया, लेकिन बाकी और यूपी का, बाकी उत्तराखंड का यूपी आ गया, उत्तराखंड का आ चुका है, उत्तराखंड का आ जी, गया। लेकिन लेकिन भाजपा के राजनीतिक विश्लेषण में ये जो जी क्षेत्र है इसमें इसकी लोकसभा की इतनी सीटें नहीं है कि जी अगले लोकसभा चुनाव पे में इनको कोई खतरा दिखाई पड़ रहा हो। और ये बात जी सही है जी कि आपने कहा कि पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन लेकिन ये बात भी सही है कि गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में जो 6 नगर पालिका या नगर जी महापालिका है उनमें उनमें भाजपा का कब्जा फिर से हो गया है। जी बाकी तो देखिए पॉन्डिचेरी में भी इन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराई दिया, तो जी ये इनका बाकी जो खेल है वो सब चल रहा है। तो ये जो जी जी आंदोलन है अभी, क्या वो क्या इस वजह से सरकार बात नहीं सुन रही है कि उसको लग रहा है कि अभी उसकी केंद्रीय सत्ता को खतरा नहीं है? तो ये क्या इसकी संभावना है कि एक राष्ट्रीय आंदोलन ऐसा बन जाए कि इनको अपनी केंद्रीय सत्ता जब खतरे में नजर आएगी तब शायद ये किसानों की बात मानेंगे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नगर निगम वाले चुनाव हुए हैं, पंजाब का रिजल्ट अपनी जगह पे था, गुजरात
गुजरात तो इनका बहुत पुराना मतलब अड्डा है इनका भाजपा का, मोदी वहां रहे हैं तो भी बना हुआ है, या चुनाव के अंदर बहुत सारी मैनिपुलेशन भी होती है वो आप और हम जानते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में। बहरहाल जो आगे जो एक बात आप कर रहे थे कि बाकी राज्यों में ये जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है वो उसमें भागीदारी कर रहा है, काफी सक्रिय है, पर जो उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा है उस हिस्से में उस प्रकार की खुली सक्रियता दिखाई नहीं देती है। ये बात तो सही है, उसका एक कारण भी है। उसका कारण एक ये है कि जो पश्चिमी यूपी का किसान है वो पूर्वी यूपी या मध्य यूपी के किसान के मामले में वो ज्यादा संपन्न भी है, क्योंकि वहां पर जो है गन्ना की फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है, बाकी भी बहुत अच्छी होती है, और वो आर्थिक तौर पर पूर्वांचल के हमारे जो किसान है या मध्य यूपी के जो किसान है वो उनके ज्यादा संपन्न है और वहां पर जमीनें वगैरह भी उनके पास अच्छी हैं, अच्छे साधन है। तो आंदोलन में ये जो आर्थिक साधन है इनका भी एक महत्व रहता है। अब अगर वहां पर दिल्ली में बॉर्डरों पर लंगर चल रहे हैं, बाकी सारी व्यवस्था हो रही है, तो उसके लिए किसानों को जो आर्थिक उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि पंजाब के किसान जो है कितने लंगर चला रहे हैं, फीड कर रहे हैं, सारा खर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाकी भाग में जो किसान हैं बहुत छोटे हैं और वो जो है उतने सक्रिय नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि जो पश्चिमी यूपी है वहां पर ये जाट बोली क्षेत्र है या वहां पर गुजर है, और वो उनकी जो यूनिटी है वो जाट वेव लेंथ पे भी बन जाती है। जब एक बार ठीक है अलग अलग खापे हैं, जब उनकी खापे और ये सब पंचायतें एक जगह जुट गई है तो फिर उनके अंदर जाट वेव लेंथ पे भी यूनिटी जो है वो ज्यादा मजबूत हो गई है और उसके कारण उनकी ताकत ज्यादा बनी है और उनकी हिस्सेदारी ज्यादा बनी है। परंतु जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर एक तो ये है कि योगी सरकार ने दमन तो सब जगह पर किया है, पश्चिमी यूपी में भी इन्होंने किया, मध्य यूपी में भी किया, पूर्वी यूपी में भी किया है। पश्चिमी यूपी के किसानों ने इकट्ठा होकर जो योगी सरकार का दमन था उसको तोड़ दिया, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। परंतु जो हमारी जो मध्य यूपी और ईस्टर्न यूपी है यहाँ के किसान उस प्रकार से संगठित नहीं है जिस प्रकार से जाट किसान जो है वो अपनी खापों और पंचायतों के माध्यम से संगठित हो गए, उनकी ताकत बढ़ गई। यहाँ पर जो किसान है मध्य यूपी और ईस्टर्न यूपी का वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, और उनको जोड़ने वाला फैक्टर जो है वो अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है जिससे उनकी ताकत जो है वो मतलब जो है विद्रोह का रूप ले सके इस योगी सरकार के दमन। परंतु धीरे धीरे लगता है ये है कि जैसे अब पश्चिम में बड़ी पंचायतों के बाद अब बाकी जगह पर छोटी छोटी पंचायतें या महापंचायतें होनी शुरू हुई है, आपके शाहजहांपुर में हुई, आपके हरदोई में हुई, और उधर आपके बलिया में हुई और दूसरी जगह पर भी हुई, तो ये छोटी पंचायतों का होना वो जो दमन के कारण एक रोग लगी हुई है उसको मुझे उम्मीद है कि उसको तोड़ने में सफल होगा और योगी सरकार किसानों को रोक नहीं पाएगी अपनी पंचायतें करने में और अपना विरोध प्रदर्शन करने में। ठीक है, अगर और कोई साथी है कोई सवाल अगर पूछना चाहे या प्रवीण जी का कोई आखिरी सवाल हो तो पूछ के फिर आवाज प्रॉब्लम आ रही है। प्रवीण जी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? ठीक है, तो हमें लगता है कि ये इस पे हम लोग ये कर सकते हैं। मोहम्मद अख्तर जी जुड़े हुए हैं, वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? जी मोहम्मद अख्तर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने एक कॉमेंट भेजा है कि अमेरिका में भी लोग आंदोलन कर रहे हैं पुलिस रिफॉर्म के लिए। ठीक है, नहीं तो चलिए, ये जो बात दारापुरी जी ने कही ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक योगी सरकार का आतंक बना हुआ था
वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने तोड़ दिया है, और इसकी इसका मैं आपको एक एक उदाहरण आपको दे सकता हूं तुरंत। अभी अभी मेरी बात हुई प्रेम कुमार से मुरादाबाद में, जहां शिवडारा में 6 तारीख को एक किसान पंचायत होने जा रही है, जिसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण भी आ रहे हैं। और दारापुरी जी, कल आपने देखा कि शाहजहांपुर में पुलिस किसान पंचायत नहीं करने दे रही थी, लेकिन लेकिन प्रेम कुमार ने मुझे बताया कि शिवडारा मुरादाबाद में पुलिस और एसडीएम वगैरह आए और हमारे साथी से पूछ रहे थे कि आपको और क्या क्या मदद की जरूरत है। तो उसने कहा कि भैया एक एक पानी का टैंक लगवा दो। तो पुलिस और प्रशासन वहां पे किसानों की मदद कर रहा है किसान पंचायत कराने में। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही साबित, ये आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सरकार का आतंक किसानों ने तोड़ दिया जी, और जी, जी। और वहां प्रशासन जो है, अब आप उसको मजबूर कह लें या यूं कह लें कि वो किसान आंदोलन का सहयोग कर रहा है, लेकिन अभी हम अवध में और पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं बना पाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, ये जल्दी ही उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में भी फैलेगा, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि जब तक यूपी बिहार नहीं खड़ा होगा तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। तो इस बारे में एक आप आखिरी टिप्पणी कर दें, फिर हम लोग इसको समेटें। नहीं देखिए, ऐसा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक पहुंच चुकी है, नगरा में पंचायत हुई है, नगरा में पंचायत हुई है, और कुछ राजीव दीक्षित बता रहे थे कि कुछ और पंचायतें करने का इरादा है। यहाँ खीरी में पंचायत करने का प्रोग्राम बन रहा है, दूसरी जगह प्रोग्राम बन रहा है। तो ये जो एक बैरियर है, ये जल्दी टूटने वाला है। वो ठीक है, इनके आतंक से कुछ लोग डर जाते हैं या जो कमजोर लोग हैं वो घबरा जाते हैं, परंतु इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा, और वो आक्रोश जो है वो उनको उद्दीलित कर देगा कि योगी सरकार की ये जो दमन है, वो लोग उस दमन को उखाड़ फेंकेंगे, उसके खिलाफ विद्रोह करके वो सड़क पर उतर आएंगे। मुझे इस बात की अच्छा एक दूसरी बात ये देखी गई है कि जब जब किसान मोर्चा दिल्ली से कोई आह्वान करता है, कोई प्रोग्राम देता है, और उस प्रोग्राम को मतलब गांव गांव में करने के लिए कहा जाता है। हम लोगों ने पूर्वांचल की बात मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने आपका ये बलिया, आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस, वहां देखा है कि एक बहुत अच्छा रिस्पांस जो है किसान मोर्चा के उस कार्यक्रम को गांव में मिलता है। वहां से गांव गांव में लोग बिलों को जलाते हैं, नारे लगाते हैं और धरना देते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर वो मतलब भावना पैदा हो गई है, बस उसको थोड़ी लीडरशिप देने की जरूरत है, और थोड़ी लीडरशिप मिल जाए, अगुवाई मिल जाए, तो लोग सड़क पर उतर आएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ठीक है सर, नोट पे हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू।